हादसा बहुत बड़ा हुआ है, हृदय विदारक है। ये जो सुन रहा है प्रदेश के अंदर वो दुखी हो रहा है, क्योंकि 50-52 लोगों का एक साथ में इस प्रकार से ब्लास्ट होकर जल जाना, आप सोच सकते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% जले हैं। कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, पूरा इलाज कर रहे हैं, अच्छा इलाज हो रहा है। फिर भी मैंने कहा क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा जयपुर में होता है, तो जयपुर एक टीम और भेज देंगे और थोड़ा बहुत वहाँ देख लेंगे, असिस्ट कर देगी, सहयोग कर देगी यहाँ के डॉक्टरों को। यहाँ के डॉक्टर भी पूरी तरह लगे हुए हैं कि कैसे मतलब हम बचा सकें। तो ये स्थिति है, मैं परिवार वालों से मिला हूँ, वो भी संतुष्ट है कि जो तत्काल कार्रवाई हुई है वहाँ। SDM पहुँच गए वहाँ पर, प्रधान साहब सरपंच साहब तो लगे थे गांव के, और गांव वालों ने खूब मदद करी। जिनमें जो गाड़ी थी घोड़े थे ले लेके आ गए फटाफट, टाइम ले आए, वो भी अच्छा है, अच्छा किया। सब तरीके से मैं समझता हूँ इलाज ठीक हो रहा है। कल रात को 3 दिन डेथ हो गई, 2 पहले डेथ हो गई थी, तो अभी भी वो चिंताजनक स्थिति है। ये चिंताजनक स्थिति क्योंकि जो 90% 80% डले हुए हैं, 70% वो वेंटिलेटर पर भी है, पर कोशिश पूरी की जा रही है। और बाकी हम लोग अभी ये घटना पहले भी हुई थी यहाँ पर, तो अभी जो घायल है इलाज तो पूरा उनका फ्री हो गया होगा, उसके साथ में हम लोग 1,00,000 रुपये उनको अतिरिक्त देंगे हर घायल को। और साथ में जो डेथ हो गई है वो जो चिरंजीवी योजना अपनी मेडिकल वाली है, उसमें प्रति परिवार 5,00,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अलग है। उसके अलावा 2,00,000 रुपये हम लोग स्टीम रिफंड और देंगे। और तीसरा, हमने पहले जो घटना हुई थी मगरा पुंडला में, जो कंपनी है गैस सिलेंडर वाली का, गैस एजेंसी वाले लोग हैं, उनका एसोसिएशन बना हुआ है, तो हिमांशु जी जो कलेक्टर को मैंने कहा है कि आप उनसे वापस बात कीजिए, इतनी बड़ी घटना हुई है तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नैतिक रूप से, आगे आके वो मदद करे। वहाँ उन्होंने 3 दिन लाके मदद करी है मगरा पुंडला के अंदर भी, जो हमने कहा तो उन्होंने मदद करी है, यहाँ ये मदद करवाएंगे। फाइनेंशियली कोई कमी नहीं आएगी, और कोई चूक जाएंगे मान लीजिए, कुछ सुझाव होगा गांव वालों का, वो भी हम बाद में पूरा कर देंगे। मतलब कहने का मतलब आदमी की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है, ये तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जो मैंने कहा है कि एक तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ने लिखवाएंगे तमाम गैस के जो ये कंपनी है जो कंपनी है उनको लिखवाएंगे कि आप अपने नीचे मातहत जितने ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबको आप कहिएगा मेंटेनेंस के लिए। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करवा रहे हैं कि आप अपने ज़िले के अंदर तमाम गैस एजेंसियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गैस एजेंसी वाले हैं, उनको कहिएगा आप अपने वहाँ पर मेंटेनेंस का काम साथ करें, कोई तरह की चूक नहीं होनी चाहिए जिसके कारण विस्फोट हो जाए। वो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि पूरे स्टेट के अंदर और पूरे ज़िले के अंदर ऐसी मेंटेनेंस की कमी नहीं आनी चाहिए, घटना भविष्य में नहीं हो। और अगर हम कमरे में लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कमरे वाले फिर पूरे देश के अंदर ये इसी बहाने की घटना जो होती है, ऐसी दुर्घटना होती है तो कमरे वाले ड्यूटी बनती है कि वो फिर और जगह देखे भाई कोई मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। उसके अभाव में मान लो कई बार घटना हो जाए, तो नहीं होनी चाहिए ना, ये हम लोग कर रहे हैं। कॉन्स्टेबल डूंगर सिंह ने बहुत बहादुरी का काम किया, वह जाके उसने इमीडिएटली एक सेंट को विड्रो कर लिया, हटा दिया, मार खींच लिया, वरना और विस्फोट हो सकता था। उसके लिए मैं DG को करने करूँगा, DG पुलिस अमित मिश्रा जी को, कि कॉन्स्टेबल इसको प्रमोशन दे देगा, उसको मिल जाएगा, जिससे कि और लोगों का हौसला बढ़े। तो ऐसे वक्त में हम रिस्क लेते हैं तो हमें मतलब सरकार सम्मान देती है। तो ये मैं समझता हूँ कि और ग्रामीणों ने सेव किया है, पूरे गांव के लोगों ने, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे वक्त में सबने आगे आगे किसी कमी नहीं रखी।
सबने अपनी ड्यूटी निभाई। मैं समझता हूँ कि यही हमारी परंपरा राजस्थान की है, सुख में दुख में साथ रहने की। वो परंपरा निभाने में मुगड़ा गांव के लोग पीछे नहीं रहे, इस बात का मुझे बहुत संतोष भी है, खुशी भी है।